उत्तराखंड में कोलकाता जैसी वारदात देखने को मिली है। नर्स के साथ बलात्कार की पूरी खबर सामने आई है, जो बलात्कार के बाद हत्या की गई है। 30 जुलाई से लापता थी नर्स, नैनीताल के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी ये नर्स और अस्पताल से घर लौटते समय लापता हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को कई दिनों के बाद नर्स का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मुख्य संदिग्ध धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फोन के ईएमआई नंबर से कातिल को पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी ने नर्स के साथ बलात्कार हत्या का अपराध भी कबूल कर लिया है। तो जैसा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिला, उसी तरीके की वारदात उत्तराखंड से सामने आई है, जहां एक नर्स के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। 30 जुलाई से नर्स लापता थी, नैनीताल के एक निजी अस्पताल में काम कर रही थी। अस्पताल से घर लौटते वक्त लापता हो गए। उसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी और वही मामले में पुलिस ने संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है, जिसने कबूल किया है बलात्कार के बाद हत्या करना। कुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। काम करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में, तो वहां पर एक मकान बना रखी थी उसने, तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिक थी वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया, वो लाश उस महिला का ही निकला, बहुत सड़ी गली कंडीशन में था। तो इसी बीच हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है। उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली और बहुत शातिर अपराधी है कभी। तो कोलकाता जैसी वारदात उत्तराखंड में भी देखने को मिली, जहां एक नर्स के बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई।